आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेग टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं जौनपुर व भदोही जनपद की कुछ अहम खबरों पर। खबर भदोही से है जहां भाजपा जिला अध्यक्ष ने ज्ञानपुर जुरई स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने नई कार्य समिति का गठन किया है ताकि केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके, साथ ही पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। यह कार्य समिति गाँव प्रखंड जिला स्तर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। भाजपा के गठित नई जिला कार्य समिति में 8 उपाध्यक्ष, जिसमें सुनील मिश्रा, सुरेंद्र पांडे, सुरेश पासी, रंजीत पटेल, प्रदीप सिंह आदि शामिल हैं। वहीं 4 महामंत्रियों में लाल बहादुर, संतोष तिवारी, सुरेंद्र बिंद आदि मौजूद हैं। इसी तरह 8 मंत्री व शिव सागर मिश्रा को कोषा अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इस मनोनयन पर जिला अध्यक्ष ने सभी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया, साथ ही मनोनीत पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया। इस मनोनयन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। खबर भदोही जिले से है जहां बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से माता पिता पूजन दिवस मनाया गया। माता पिता पूजन दिवस पर ज्ञानपुर के एक स्कूल में पूजन दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही श्रद्धा भाव और विधि विधान से पूजन किया और माता पिता ने भी बच्चों को सच्चे मन से आशीर्वाद दिया। पूजन के दौरान बच्चों ने पहले माता पिता को तिलक लगाया, फिर माला फूल पहनाकर मिठाई खिलाई और अंत में बच्चों ने आरती करते हुए माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस दौरान माता पिता और बच्चे इतने भावविहोर हो गए कि सबकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक ओम प्रकाश पांडे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। इस मौके पर काफी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे, जिनमें जानकी शुक्ला, संतोष वर्मा, नूरुल इस्लाम, प्रमोद रावत, इजहार अंसारी, रीना सिंह, सरोजनी यादव, खुशबू त्रिपाठी, ऋतुराज श्रीवास्तव, प्रमोद जायसवाल, शुभम, राहुल अंबुज, रत्नेश त्रिपाठी, श्वेता सोनिया, कृति प्रीति और अर्चना समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे आज के परिवेश में परंपरागत जो हमारे धर्म की जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं उसको निर्वहन कर रहे हैं। आज की कुरीतियों को खत्म करने का एक प्रयास इनका है, जो जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। आजकल का जो माहौल है, परिवेश है, हाय हेलो और बच्चे जो है वैलेंटाइन डे ये सब के अंग्रेजी सभ्यता में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतवर्ष की परंपरा है उसे फिर से जागरूक करने का इनका यह प्रयास काफी सराहनीय है। मैं इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अतिक्रमण के नाम पर गरीब बेसहारा पटरी दुकानदारों का सामान फेंकने के साथ ही ऐसे गरीबों को उजाड़ने वाला नगर पंचायत ज्ञानपुर कोतवाली के समीप लवे सड़क हो रहे एक अतिक्रमण पर आंख मूंदे बैठी है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ कर अपनी पीठ थपथपाने वाला नगर पंचायत ज्ञानपुर इस धनांड के अतिक्रमण को लेकर आंख मूंदे हुए है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में एक दुकानदार का सामान अतिक्रमण के नाम पर सड़क पर फेंक दिया गया था। इस गम को दुकानदार बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिससे उसे दिल का दौरा पड़ गया था। ऐसे में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन नगर पंचायत ज्ञानपुर एक धनांड द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के मामले में पूरी तरह मौन साधे हुए है। लाला नगर ज्ञानपुर कोतवाली के समीप हो रहे इस अतिक्रमण को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा करते सुने जा रहे हैं। वहीं नगर पंचायत ज्ञानपुर पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अतिक्रमण किया जा रहा है इस समय, अभी भी वहाँ पे गेट लगाई जा रही है, बाउंड्री बनवाई जा रही है। तहसीलदार साहब को मैंने आज बताया, SDM को बताया, थानेदार को बताया, मगर उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खबर जौनपुर जिले से है जहाँ रामपुर विकास खंड के रायपुर ग्राम सभा के आनंद मिश्रा, नरेंद्र कुमार मिश्र, दीनानाथ मिश्र सहित ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को दिए गए एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान, प्रधानपति व ग्राम सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि
वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2019-20 के 30 जून तक पंचायत निधि में जमकर भ्रष्टाचार व धन का बंदरबांट किया गया है, जिसमें पुराने कार्यों को दिखाकर भुगतान कर लिया गया है। इसी तरह मिट्टी कार्य, रिबोर, हैंडपंप रिपेयरिंग व 100 वर्ष पुराने तालाब को नव निर्माण दिखाकर भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान द्वारा कभी कभी खुली बैठक नहीं कराई गई जाती है। कुल 18 बिंदुओं पर शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी जौनपुर से ग्रामीणों ने शिकायत की है। खबर भदोही जिले से है, जहां नेशनल एकेडमी भदोही द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें एकेडमी के शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माता के वीर जवान सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर प्रबंधक दीपक राय, अभिषेक दुबे सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज के दिन ही जो है 2019 बस से भरी हुई हमारे जो है भारतीय सैनिक जा रहे थे, छल के द्वारा किया गया बहुत ही ये घिनौना और एक तरह से आप कह सकते हैं कायरता पूर्वक कार्य था। इसके पीछे जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत ही कायरता पूर्वक और छल के द्वारा जो है हमारे 42 सैनिकों को बम धमाके में जो है शहीद होना पड़ा। खबर जौनपुर जिले के सागन से है, जहां JCI सागन संस्कार द्वारा खुटाहन रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल पहुंचकर अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में छात्रों व अध्यापकों के बीच पढ़ाई व रिश्ते की जानकारी दी। यह प्रशिक्षण गुलाम साबिर फुरकान मुमताज खान ने दी। उत्तर प्रदेश के जिलों की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए सत्य न्यूज़ टीवी के साथ।